गैस के आपको बजट में एक बड़ा सा कार चाहिए, अगर चाहिए तो मैं आपको एक बेहतरीन कार के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है होंडा एलिवेट और मैं अभी हूँ 6 माइल एरिया में नियर शिव मंदिर इसुजु डीलर के पास में सांगो ऑटो हब में होंडा डीलर के अंदर और ये है होंडा एलिवेट जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ये कार इन पर्सन अगर आप अपनी आंखों से देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्पेशली जो इसका आगे वाला पोर्शन है आपको थोड़ा बहुत रोल्स रॉयस वाला फीलिंग दे देगा और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली कार है जिसके प्राइसिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप सांगो होंडा डीलर से कोई भी कार खरीदते हो तो आपको मौका मिल सकता है जाने का स्विट्जरलैंड में। यू गेट अ चांस टू विन कपल ट्रिप एश्योर्ड प्राइस अप टू 75,000 रुपीज, तो जल्दी बुक कीजिए। एंड ऑल्सो होंडा समर बोनांजा इज ऑन, यानी कि आप सांगो होंडा से कोई भी गाड़ी लेते हो तो आपको एक मौका मिलता है टू विन अ कपल ट्रिप टू पेरिस एंड एश्योर्ड गिफ्ट्स अप टू 75,000 रुपीज। तो देरी किस बात की, बुक योर होंडा फ्रॉम सांगो होंडा राइट नाउ। सभी को बता दूं कि जो होंडा का जो इंजन होता है, आप एक बार गाड़ी को खरीद लोगे ना तो आप भूल जाओगे कि लास्ट टाइम आपने कब सर्विसिंग किया था, लास्ट टाइम आपने कब रिपेयर किया था, कभी पार्ट्स खराब ही नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ी बात है होंडा के हर कार्स में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक से, होंडा का लोगो जो कि गाड़ी को और प्रीमियम बनाता है। इसका हेडलाइट ऐसा भी LED है और ये भी LED है, फॉग लैंप भी LED है और जो ये क्रोम फिनिश है इसको और भी ज़्यादा प्रीमियम दिखा रहा है, काफ़ी सुंदर है। और यह है इसके कीस और अभी मैं आप लोगों का इंजन बे दिखाता हूँ। ओके, इन सेगमेंट्स की जितनी भी गाड़ियाँ सभी में से सबसे पावरफुल इंजन ये प्रोड्यूस करता है होंडा का एलिवेट। 1500 cc का इंजन है जो कि 119.35 BHP पावर जनरेट करता है और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और जो इसका साइड का व्यू है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा दिखता है गाड़ी रियल में तो और भी बड़ा दिखता है। इस सेगमेंट में सबसे बड़ी कार है मैं बोल सकता हूँ। जो टायर के साइज़ है वो है 215/55 R17 inches का। और इसकी सबसे एक खासियत ये है कि इसमें हार्ड कवर लगाया गया है साइलेंसर वाले पार्ट को छोड़ के। आप नीचे देख सकते हो, यानी कि अगर कुछ पत्थर लगेगा ना तो नीचे का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होगा, वो संभाल लेगा। जो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी ऊँचा है, 220 mm का है। जो थार का होता है वो 226 mm का होता है, ऑलमोस्ट थार के बराबर है। हमारे अरुणाचल में गड्ढों की कमी नहीं है, स्पेशली नाहरलगन में, तो जो लोग अरुणाचल में रहते हैं उनके लिए कार बेस्ट है। ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यही कार आपको होंडा एलिवेट प्रोवाइड करता है। जिनको कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंट चाहिए, जिनको सिटी में भी चलाना है, ऑफ रोड में भी चलाना है बट कम प्राइस में चाहिए, तो उनके लिए ये कार बेस्ट है। और इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैमरा भी है, यहाँ पर रियर वाइपर्स है, पार्किंग सेंसर्स है, रियर कैमरा है। एंड हियर कम्स द मेन पार्ट। इस सेगमेंट्स में जितने भी गाड़ियाँ आती है उसमें से सबसे बड़ा बूट स्पेस इसी का है, अराउंड 460-500 liters का बूट स्पेस है जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जितने भी लगेजेस हैं, स्पेशली लड़कियाँ जब भी ट्रैवल करती है, आपकी गर्लफ्रेंड होगी या फिर आपकी बीवी होगी, तो वो बहुत ज़्यादा सामान कैरी करके जाएगा, स्पेशली उनके लिए बेस्ट गाड़ी है। मैं आप लोग का बूट स्पेस दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा है, मतलब मैं काफ़ी अंदर से कम्फर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। ये 7-seater कार भी बन सकता था, इसमें 60-40 स्प्लिट का भी ऑप्शन है। जैसे कि आप इसको गिरा दोगे, यहाँ पे आप एक गद्दा लगा के, मैट्रेस लगा के सो भी सकते हो, इतना बड़ा है ये गाड़ी। जब आप इसको खोल देते हो ना तब यहाँ पे और ज़्यादा सामान घुस जाता है, दो लोग पूरा घर का सामान लेके जा सकते हैं, इतना भी हो सकता है। और अंदर में हम जैक वगैरह, स्पेयर टायर सब कुछ रखा गया है अंदर में। मैं बैक सीट में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, घुसने से पहले आप ये देख सकते हो काफ़ी सुंदर है, लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है, जो दरवाज़ा भी वो भी काफ़ी सुंदर दिखता है। और ये जो सीट का जो लेदर कवर दिया गया है ये कंपनी फिटेड आता है ऑलरेडी, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे रखते हैं हम, ये आर्म रेस्ट है एक्चुअली, और यहाँ पे दो कप होल्डर्स है जो कि गाड़ी को और प्रीमियम बनाता है। आप आराम से ऐसे बैठते हुए साहब की तरह जा सकते हो, सर की तरह। आप नी रूम देख सकते हो, काफ़ी जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है, काफ़ी बड़ा है स्पेस, आराम से यहाँ पे भी आप बैठ जाओगे, इतना हद तक बड़ा है। जो अंदर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब गैपिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरा पैर टच हो रहा है। रियर एसी वेंट्स है और यहाँ पे भी आर्म रेस्ट है जिसको आप खोल के यहाँ पे सामान रख सकते हो। मैगजीन कीपर, आप यहाँ पे मैगजीन रख सकते हो, दो छोटे पानी के बोतल आराम से रख सकते हो, और काफ़ी पावरफुल लाइट। और पीछे में पहले मैंने इसको हटाया था, यहाँ पे अभी लगा दिया है, आप यहाँ पे भी सामान रख सकते हो गाड़ी को फ्रेश रखने के लिए। और ये है सनरूफ, और सनरूफ खुलते हुए कुछ ऐसा दिखता है। और जो आगे का डैशबोर्ड है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी सीट भी, इस सीट का कवर भी लेदर का है, और यहाँ पे भी लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है विद वुडन फिनिश,
जो कि और प्रीमियम बनाता है गाड़ी को, यहाँ पे भी है। पहली बार आप जब बैठोगे तब आपको डायरेक्ट लगेगा कि हाँ आप किसी महंगे कार में बैठ रहे हो करके। पुश स्टार्ट बटन है, ओके। और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी लगा हुआ है, विच मीन्स आप जैसे एसी को ऑन करोगे तो जो गाड़ी का टेम्परेचर है उस हिसाब से ये अपने आप को सेट करेगा, उस हिसाब से ठंड प्रोड्यूस करेगा आपको। और इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, ओके। लाइट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, और यहाँ पे भी आईना है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वाह, लाइट भी है, ओके। और यहाँ पे आईना है कि नहीं, ओके, यहाँ पे भी आईना है, ओके। और जो स्टीयरिंग व्हील है उसको एडजस्ट किया जा सकता है अपने सुविधा के हिसाब से। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी है और टिल्ट एडजस्टमेंट भी है, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ओके। हॉर्न भी काफ़ी पावरफुल, वैसे मैंने गलती से बजाया है। इस गाड़ी में लेवल 2 एडास का फीचर भी है, हिल होल्ड भी है, यानी कि अगर आप किसी ऊंचे उसमें रास्ते में होगे तो गाड़ी 2 सेकंड के लिए नीचे नहीं जाएगा, ये मैनुअल में होता है। ऑटोमेटिक के लिए आप अनलिमिटेड टाइम के लिए भी होल्ड में रख सकते हो। इसमें 7 इंचेस का TFT स्क्रीन है जो कि जर्नी के दौरान काफ़ी हेल्पफुल होता है बड़ा स्क्रीन होना। और ये है 10.2 इंचेस का स्क्रीन जिसमें एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी भी है। ये में पावर प्लग का ऑप्शन है, या फिर 2 USB पोर्ट्स भी है, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे आपको सभी बेसिक बटन्स दिए गए हैं, और यहाँ पे भी आपको सभी कंट्रोल आपको हैंडल में ही बैठे बैठे मिल जाएगा। और यहाँ पे भी लेदर फिनिश दिया गया है स्टीयरिंग व्हील में भी, विच मीन्स आपको आफ्टर मार्केट करवाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं इस गाड़ी में। अगर आप साइड का इंडिकेटर दे देते हो तो जो साइड वाला कैमरा है वो भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो टोटल इस गाड़ी में 180 डिग्री कैमरा है आप कह सकते हो। और स्पीकर्स है 4, जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, मैं सुनाता हूँ अभी आपको। काफी पावरफुल स्पीकर्स है। और फ्यूल लिट खोलने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नीचे में इधर ही दिख जाता है, जो कि काफी आपके लिए इजी हो जाता है। अब इसको यहाँ से खींचोगे, यूजुअली यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे कवर को निकालोगे फिर इसको खींचोगे तो थोड़ा तकलीफ रहता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी मुझे बेटर लगा। और आगे से गाड़ी कुछ ऐसा दिखता है, आप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे शायद बहुत ही क्लियरली, आगे का जो बोनेट है वो आप देख पा रहे हो। तो आपको जब इस गाड़ी पे आप बैठते हो तो ऐसा फील होता है कि आप किसी बहुत ऊंचे वाले गाड़ी में बैठे हो, और आगे का आपको जो नज़ारा है वो अच्छे से दिखता है। तो आगे का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, चाहे वो पार्किंग के टाइम में हो, चलाने के टाइम में हो, इधर उधर गली से निकालने के टाइम में हो, क्योंकि आपको सब कुछ विजिबल होता है। काफ़ी बड़ा है, ये व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। गाइस, अभी तक तो मैंने बहुत तारीफ की इस गाड़ी की, अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग खुद संगो होंडा डीलर में आ सकते हो। जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ ये डेमो कार है, आप यहाँ पे बैठ के आप इस गाड़ी को कहीं भी आपको ले जाना है, आपके साथ कोई एक्सपर्ट जाएंगे कैपिटल रीजन के अंदर में, होलोंगी हो, चाहे वो यूपिया हो, चाहे वो जैसा ये खराब रास्ता ना लगन का वो हो, किसी भी रास्ते में आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। उसके बाद आप खुद फील करो तो आपको डेफिनेटली इस सेगमेंट में, अगर आप किसी और कार को देख रहे हो तो उस कार को आप छोड़ दोगे, आप इसी कार को खरीदोगे। मान लीजिए जब थक गए हो, घर से निकलने के लिए आपको थोड़ा लेजी फील हो रहा है, तब भी आप बुला सकते हो, कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं, और डीलर वालों को कॉल कर सकते हो, वो लोग टेस्ट ड्राइव के लिए भी गाड़ी को लेके आ जाएंगे और आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हो, अगर आप ईटानगर रीजन, नाहरलगन रीजन के अंदर में रहते हो। तो गाइस, मैं 6 माइल से अभी आ गया हूँ यूपीआ की ओर। यूपीआ में मैं रेलवे स्टेशन में आया हूँ क्योंकि मुझे ड्राइविंग टेस्ट करना है। ऑलरेडी मैंने 6 माइल से लेके यहाँ तक ड्राइव करके आया हूँ मैं, और आई मस्ट से कि जो होंडा है वो जो होंडा के कार्स हैं बेस्ट इंजन आपको प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक एन आईफोन। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन जो है 1-2 साल आप यूज़ करोगे, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, आप 2-3 साल यूज़ करोगे स्लो हो जाता है, बट आईफोन क्या होता है कि कभी स्लो नहीं होता, 10 साल के बाद भी सेम रहता है। तो सेम होंडा के साथ भी है, स्पेशली होंडा एलिवेट के साथ। अब इस गाड़ी को एक बार खरीद लोगे ना तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन जो इसका इंजन है, जो इसके पार्ट्स है, कभी पुराने नहीं होंगे, बहुत रेयर केसेस में होगा जब तक एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है। तो आप बोर हो जाओगे गाड़ी से, लेकिन गाड़ी कभी ख़राब नहीं होगा। और गाड़ी ऑलरेडी ऑन है, आप सुन सकते हो कि कैबिन नॉइस बिल्कुल भी नहीं है, बाहर से जितने भी साउंड है कुछ भी नहीं आ रहा है, बस आपको एसी का साउंड थोड़ा बहुत आ रहा होगा। इंजन ऑन है, बट इंजन का भी ऑन होने का भी पता कुछ नहीं चल रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेफ करूँगा, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ 0 से लेकर 100 का स्पीड कितने सेकंड्स में पहुँचता है मैं दिखाता हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया है, तो रोड भी खाली है,
इस गाड़ी को लगे बस 10 सेकंड 0 to 100 की स्पीड में पहुंचने में। सुपर कार को थोड़ा बीट करने ही वाला था, सुपर कार जितना तो नहीं बट अपने सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट था ये। इस गाड़ी का जो माइलेज है वो है 17 किलोमीटर पर लीटर और इसका वेट है इस गाड़ी का 1250 केजी यानी कि 1250 केजी इसका, जो कि इस गाड़ी के इंजन पावर के साथ साथ वेट का जो रेशियो बनता है वो इस कार का जो कॉम्बिनेशन है उसको डेडली बनाता है। ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया चला के। इंजन इतना पावरफुल था, 6000 RPM में रेफ कर रहा था, अगर रास्ता अच्छा होता तो 7000 तक भी पहुंचता, जिससे कि आपको पता चलता है कि होंडा का जो आई लव द इंजन जो होंडा का इंजन होता है वो शायद ही कोई दूसरा गाड़ी, दूसरी कंपनी का गाड़ी प्रोवाइड कर पाएगा। इट्स ऑल अबाउट इंजन। और यस, काफ़ी बारिश हो रही है और इस बारिश में इस गाड़ी को चला के बहुत ही मज़ा है, बहुत ही खुश हूँ। आप मेरे एक्सप्रेशन को देख सकते हो, जब भी मैं कोई अच्छा गाड़ी चलाता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आई लव ऑटोमोबाइल, कार्स, बाइक्स चलाने बहुत अच्छा लगता है और इस गाड़ी को चला के स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। स्पेशली अरुणाचल के लिए ही है ये गाड़ी और जो इंजन पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लंबा चलेगा ये गाड़ी अगर आप खरीद लेते हो तो। मान लीजिए आपने इसी सेगमेंट का गाड़ी इसी प्राइस में कोई और गाड़ी खरीदा और मान लीजिए एक दो स्पेसिफिकेशन से एक दो फीचर्स उस गाड़ी में इस गाड़ी से ज़्यादा भी हो गए, बट आप याद रखना कि ये गाड़ी ज़्यादा लंबा चलेगा। अगर वो गाड़ी 5 साल चलेगा तो ये 10 साल चलेगा, डबल चलेगा, तो माइंड में ये रखना। ग्राउंड क्लियरेंस अमेजिंग, कहीं भी मैं गड्ढों में चलाया, स्पेशली नाहरलगन का रोड जो है दुनिया का सबसे घटिया रोड है आप लोगों को पता है, उसमें भी काफ़ी अच्छा चला है गाड़ी, ज़्यादा बॉडी रोल भी नहीं हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको चलाने में। का 1500 cc का कार है, काफ़ी बड़ा इंजन है, काफ़ी बड़ा कार है, काफ़ी प्रीमियम कार है, फीचर लोडेड कार है, बट स्टिल इसका जो प्राइसिंग है काफ़ी मिनिमल है होंडा की कार के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि होंडा का इंजन कितना अच्छा होता है। बट स्टिल इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो होता है 11.99 lakhs एक्स शोरूम प्राइस से और जाता है 15.8 lakhs जो टॉप वेरियंट है एक्स शोरूम प्राइस, जो टॉप वेरियंट भी है। यूजुअली बाकी कार्स का क्या होता है कि इस सेगमेंट में 20 lakhs क्रॉस कर देता है, 22, 23, 25 तक भी जाता है, बट इसका टॉप वेरियंट अगर आप ऑन रोड भी लोगे तो 17 lakhs के ऊपर नहीं जाएगा, तो ये खासियत है इस कार की। तो गाइस बिफोर इट गेट्स टू लेट आप लोग जल्दी कीजिए, क्योंकि सांगो होंडा डीलर में ये जो कार है होंडा एलिवेट बस एक ही नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है आपके लिए। और इस महीने का जो ऑफर है जो होंडा कंपनी आपको दे रही है वो है 55,000 rupees का, अगर आप अभी खरीदते हो तो 55,000 rupees का ऑफर मिलेगा आपको इस मंथ में, और अगर आप इस मंथ के बाद भी खरीदते हो या फिर इस मंथ में खरीदते हो तो मेरे साइड से जो ऑफर होगा जो मेरे ऑडियंस के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, उनके लिए ये ऑफर रहेगा, आपको डीलर में जाके बोलना है कि लेंजिंग का वीडियो आप देख के आए हो, लेंजिंग के सब्सक्राइबर्स हो, तो आपको 10,000 rupees का एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाएगा जिसमें आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज पे लगवा सकते हो, आपका पैसा उसमें बच जाएगा। तो देर मत कीजिएगा और स्टॉक अवेलेबल है, अगर आपको आज चाहिए गाड़ी आज डिलीवर हो जाएगा। होंडा एलिवेट आपको 10,000 rupees तक के EMI में भी मिल रहा है। अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बस सुपर कूल, बहुत मज़ा आया इस खूबसूरत कार को, इस स्ट्रॉन्ग कार को, माचो कार को चला के। सांगो होंडा डीलर का जो एड्रेस है वो है 6 mile में शिव मंदिर के पास में, इसुजू का जो नया शोरूम खुला है उसके राइट साइड में, उसके बगल में है, वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और इस गाड़ी का जो वारंटी है वो है 3 साल का, जो कि आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा, और अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी आप करवा लेते हो तो 10 साल तक का वारंटी मिल जाता है इस गाड़ी का। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं अगर आपको ये गाड़ी के बारे जानना है। तो इससे आज के व्लॉग को ये पे खत्म करते हैं, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।